हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट आईएफएमआर चेन्नई। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कल सीमैट का रिजल्ट आया है। तो अगर आप लोग आईएफएमआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ इस कॉलेज के बारे में कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं। आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो आपको अप्लाई कर सकते हो या फिर आप दूसरे कॉलेज की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आरओआई के टर्म्स में बात करेंगे, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि अभी हम लोग रेगुलर कॉन्टेंट्स बन रहे हैं मेनली सीमैट कॉलेजेस रिलेटेड। ठीक है, तो देखोगे जैसे कि मैं इनके वेबसाइट पे आया हूँ, तो इनके वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे सारा फैकल्टी प्रोग्राम सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम्स में आओगे तो आप सारा एमबीए का प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटिव का है, बीबीए सब का है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इनके नीचे में आओगे तो एम बी ओवरव्यू और एम बी एडमिशन्स पे आओगे ना, तो एम बी एडमिशन्स पे आओगे तो आप इस पर क्लिक करना, तो आपको यहाँ पे सारा एडमिशन प्रोसेस अब सारा मिल जाएगा, जैसे एलिजिबिलिटी हो गया, एप्लीकेशन प्रोसेस सब हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स इनकी क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे राउंड्स होते हैं मेनली। ठीक है, कैट से चलता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले राउंड वन जो हुआ था उनको 13 जैन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो क्लोज ये सब हुआ था, मतलब ओपन तो हुआ था अक्टूबर में ही। ठीक है, जैसा इस पर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बताया हुआ है, बनाया हुआ है, तो कैट के पहले ही ओपन होता है। अभी जो इसका राउंड 5 है वो सीमैट के लिए ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लो ना, सीमैट ओनली, वो संडे तक है। यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोज कब हो जाएगा आप लोग का? संडे को। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पे 25 अक्टूबर से ही ओपन है, बट 9 जून को मतलब परसों आपको ये फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है। इंटरव्यू ये सब अभी पता नहीं है कि अभी कब ये सब स्केड्यूल करेंगे, कोई डेट ये सब, क्योंकि यहाँ पे देख लो विल बी अनाउंस सून है। बाकी ये सब ऑलरेडी हो चुके हैं, राउंड 4 और राउंड 3 के इंटरव्यू हो चुके हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग का क्लासेस से जो स्टार्ट होगा सबका क्लास एक साथ ही होगा, तो जुलाई में होगा। मे बी गाइस, आप लोग का जो इंटरव्यू होगा वो मिड में आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी जीडी पे अराउंड ये सब होता है। बाकी यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू देख सकते हो, कंडक्टर ऑनलाइन यहाँ पे देख सकते हो, और बाकी ये सब सिटीज में देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ हुआ है। सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी में जैसे कैट वैट का जो भी दिया था उन्होंने, तो उनका इन पर्सनल इंटरव्यू हुआ है, बट अभी जो हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो राउंड 3 राउंड 4 मेनली नॉन सी मैट का था, बट राउंड 5 जो है वो सिर्फ सी मैट ओनली के लिए। ठीक है, तो ये सब को मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स से बता दी। अब गाइज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पे गाइज क्लिक करोगे आप लोग तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, क्यों यहाँ बर्थडे देख सकते हो कि शुड हैव बिन बॉर्न आफ्टर 1 जैन 1997। ठीक है, और क्लास 10th में आपको 60%, क्लास 12th में भी 60% है यहाँ पे, और बाकी यूजी ग्रेजुएशन में भी 60% है। बाकी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता दे तो फ्रेशर ग्रेजुएट ऑल्सो विद द एलिजिबल हो गए, फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी फुल टाइम अगर आपका है 36 मंथ्स ओनली यहाँ पे रिसीव करेंगे वो, अगर 36 मतलब 3 साल का अगर आपका है तो ही ये रिसीव हो, उससे ज़्यादा है तो अप्लाई मत करो। ठीक है, बाकी ये सब कैट हो गया, जैट हो गया, एनमेट, सीमैट, जीमैट, जीआरई स्कोर लेते हैं। तो सीमैट का गाइज अगर बता दे तो ऑल इंडिया रैंक अप टू 2000 है, सॉरी। अभी ये ऑल इंडिया रैंक अप टू 2000 क्या होता है? ठीक है, मैं इसके बारे में एक आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप गाइज देखोगे, सो गाइज जैसा आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सीमैट 24 रैंक और सीमैट 24 परसेंटाइल है। ठीक है, मैं कुछ रफ फिगर बनाया हूँ, ठीक है, कि ताकि आपको समझ में आए। सीमैट जो रैंक 1 है, पॉसिबली गाइज हमेशा हर साल सेम रहता है, ऐसा है कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पॉइंट का होता है फर्क। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट गाइज हर साल सेम होता है। तो रैंक 1 को गाइज मेनली जो होता है 99.9 या 100% बन जाती है। ठीक है, तो रैंक 2 को यहाँ पे इस तरह 99, तो आपको अप टू 2000 मतलब वहाँ पे रैंक बताया एफएमआर में, तो 2000 रैंक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका मेनली जो आपका आ रहा है वो 98 से, ठीक है, मतलब 95 या 96% के आपका आसपास आ रहा है। ठीक है, तो 98 हो गया, उसके बाद 97 या 96 मैं बोलूंगा, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए 96 रख लो। ठीक है, 96 में बोल रहा हूँ यार। ओके, तो गाइज अगर आपका 95 के अराउंड भी है ना, ठीक है, 95 के अराउंड अगर आपका आ रहा है तो आप गाइज आईएफएमआर में अप्लाई कर सकते हो। मेनली मैं बोलता हूँ वैसे 94 95 अप्लाई करना है, मतलब जिनको आया सीमैट वो आईएफएमआर जरूर से अप्लाई करो। ठीक है, और इसके अप्लाई करने का रीजन भी है गाइज, ठीक है, ये अभी ब्रांड वैल्यू काफी इसका बढ़ रहा है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा ये कॉलेज माना जाता है आईएफएमआर।
और NIBM से इसका काफी ज्यादा इसका टक्कर रहता है IFMR का। और इसके बारे में बता दूं तो ये मेनली जो होता है इसे कोर प्रोग्राम सभी काफी फेमस होता है। तो आई थिंक गाइस आपको परसेंटाइल ये सभी समझ में आ गया होगा, बाकी इससे नीचे हो तो प्लीज अप्लाई मत करो। अगर आपका 92 या 93 टच कर रहा है तो आप प्रोफाइल बेस्ड कॉल मेनली एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा अप्लाई इससे नीचे करो, क्योंकि उन्होंने साफ यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे लिख दिया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं उनकी वेबसाइट पे। ओके, सो गाइज देखो उनके वेब सो गाइज यहाँ पे उनके वेबसाइट पे अगर हम लोग वापस आते हैं तो बात करते हैं यहाँ पे अभी और भी सारे यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हो गए, एजुकेशन लोन, ये सब के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप इनकी फीस की बात करोगे ना, ठीक है, फीस की बात करोगे, फीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे सारा उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको एडमिशन के टाइम 40,000 हो गया, बाकी ये सब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये सब है, तो मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना लगेगा। तो आपको जो फीस पड़ने वाली है आपको 14,56,000 अप्रोक्स पड़ेगा, मतलब मान के चलो 15 लाख के आसपास, और टोटल उस पे ऐसे 3 लाख 4 लाख और खर्चा ये सब ऐड कर दो, अकोमोडेशन फूड चार्जेस। तो अगर आप मेनली चेन्नई से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिटीज ये सब होता है, ठीक है, मेट्रोपोलियन सिटीज ये सब है, तो आपको खर्चा और भी ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो टोटल मान लो आपको 18 लाख पड़ जाएगा। ठीक है, 18-19 लाख। अब उसके लिए आपको मिल क्या रहा है, ठीक है, वो देखो आरओआई देखो आप। ठीक है, तो अगर आरओआई देखोगे ना, तो अभी हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट ये सब के। तो प्लेसमेंट उन्होंने यहाँ पे शेयर किया था प्लेसमेंट इंटर्नशिप रिपोर्ट 2022-23 का। तो अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो आईएफएमआर जीएसबी जो है ऑलवेज रिवील्ड द प्लेसमेंट रिकॉर्ड, तो इनका जो 22 ईयर्स का जो एवरेज इंक्रीजिंग और 100% स्टूडेंट को बोलते हैं प्लेस्ड करता है। एवरेज इनका मैं हमेशा से बोलता हूँ 13 से 14 जाता था, अभी 13.5 इनका चल रहा है। बाकी इनका कंपनी जो आ रहा है जेबी मॉर्गन ये सब आ रहा है, अर्नेस्ट यंग मॉर्गन ये सब सारा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप नीचे करोगे तो 100+ प्लेसमेंट इन लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, प्लेस अक्रॉस BFSI कंसल्टिंग और IT फॉर्म से सब। बाकी 13.5 इसका चल रहा है एवरेज, और 22.9 इसका हाईएस्ट चल रहा है। ठीक है, इंटर्नशिप ये सब जो हाईएस्ट किया वो 1 लाख पर मंथ तक गया है, क्योंकि ये भी काफी अच्छी बात है IFMR का। एंड यहाँ पे देख सकते हो इन द ऑनगोइंग प्लेसमेंट सीजन एट IFMR ग्रेजुएट्स, ठीक है, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एट यूनिवर्सिटी एट वन ऑल 184 स्टूडेंट फ्रॉम द कोरट जो भी 21-23 के बैच थे, आई थिंक वो प्लेस्ड हो चुके हैं सारे। ओके, बाकी ये सब उनका बैकग्राउंड था, कंसल्टिंग IT ये सब का था, बाकी जेबी मॉर्गन डेलॉयट ये सब काफी अच्छी कंपनीज इसमें आ रही है। बाकी 1 लाख पर मंथ का यहाँ पे इंटर्नशिप है, सब सारा यहाँ पे इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर दो डेफिनेटली यू कैन अचीव द हाईएस्ट प्लेसमेंट। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्लेसमेंट देखोगे तो 100+ प्लेसमेंट यहाँ पे गया था 2020-21-23 का। तो परसेंटेज वाइज भी देख सकते हो, BFSI का 56, कंसल्टिंग 22, 17% IT और 5% अदर्स का था। ठीक है, बाकी न्यू रिक्रूट से यहाँ पे सब आए थे 14, PPO सब भी ऑफर हुआ है यहाँ पे। इंटर्नशिप अगर आप हायर करते हो वहाँ से PPO भी ऑफर ले सकते हो। बाकी टॉप रिक्रूटर यहाँ पे देख सकते हो, काफी जानी मानी कंपनीज यहाँ पे दी हुई है। एंड इसके बारे में हम और भी बता दे तो हाँ, यहाँ पे ब्रेकअप पे दे दिया है पूरा पूरा हाईएस्ट मीडियन और एवरेज का। हाईएस्ट 22.9 है, ठीक है, 23 के आसपास जा रहा है। ठीक है, लाइक NIBM जैसा ही है, ठीक है, सिनेरियो। मीडियन आपको 13.10 है और एवरेज यहाँ पे जा रहा है 13.15 का। ठीक है, अगर आप गाइज इसकी फीस से अगर कंपेयर करो, फीस कितना आपको टोटल 15 लाख है, तो आपको फीस से अगर कंपेयर करो ठीक ठाक है, मैं नहीं बोलूंगी बहुत खराब है, मतलब एवरेज के मानो और सही है। कि अगर आपको मतलब टोटल अगर खर्चे से मिला के जिनका चेन्नई में मतलब उधर सिटीज तो ठीक है, पर जो भी इधर से जा रहे हैं मेनली नॉर्थ साइड से जाते हैं, और हर एक तो चेन्नई में नहीं रह सकता है ना, तो अगर 18 लाख से अगर कंपेयर करें अगर 14 लाख को, 13.5 को, उतना भी बुरा नहीं है एवरेज से। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो इससे भी ज़्यादा आप ग्रैब कर सकते हो, तो हमेशा मीडियम सैलरी देखा करो, एवरेज मत देखो। ठीक है, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे डेफिनेटली यू कैन गेट बेटर पैकेजेस। ठीक है, तो अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन है, आप दोबारा ट्राई नहीं करना चाहते, IFMR इज अ गुड कॉलेज, ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है IFMR का। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो टॉप 10% को यहाँ पे 19.20, टॉप 25% को 17.30 और टॉप 50% को 15.60 पर एनम। तो वही मैं बोल रहा हूँ गाइज, यू विल हैव टू बी अ टॉपर ऑन द बैच। ठीक है, हर कोई टॉपर नहीं है, बट गाइस हमेशा ट्राई करना कि आप टॉप 50 या टॉप 10% के बैच में रहो,
ताकि आप बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से उठा पाओ। ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर आपका कॉलेज एवरेज है, या फिर मैं कॉलेज एवरेज नहीं बोल रहा हूँ, अगर कॉलेज गाइज आपका इतना डिसेंट प्लेसमेंट दे रहा है, तो आपको वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बाकी वर्किंग एक्सपीरियंस का यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रेशर 66% है सबसे ज़्यादा। ठीक है, 24, 36, 10 पर 13 है, बाकी 12, 24 और 6 से 12 यहाँ पे 17 और 4%। मेल 63 और फीमेल 37, जेंडर डाइवर्सिटी यहाँ पे। बाकी एवरेज वर्क इसमें 19 मंथ्स का है। बैच स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे 184 का। ठीक है, बैच स्ट्रेंथ सही है, 200 के अराउंड है, तो सही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये सब देख सकते हो, अदर्स 5% है, बीबीए से 19% है, बीएससी से 9%, और एक है बीकॉम से 39, और बीए बीटेक से 28। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हो बीकॉम ये सब से है, बीटेक से है और बीबीए से है, बाकी सब अदर्स है। तो गाइस नॉन कॉमर्स जो भी है ये उनके लिए अच्छी गुड न्यूज़ है। ठीक है, इस कॉलेज में, और बाकी ये सब देख सकते हो, आईटीज ये सब प्लेसमेंट ये सब का दिया हुआ है। ठीक है, तो इंटर्नशिप रिपोर्ट भी देख सकते हो। एवरेज स्टाइपेंड जो था 22,000 पर मंथ का था, और टॉप 25% 53 का था, 55 के अराउंड, और एवरेज टॉप 50 को 40,500 के आसपास। ठीक है, 100% इंटर्नशिप प्लेसमेंट ये सब हुआ था इन सब सारे सेक्टर में। ठीक है, बाकी ये सब कंपनीज देख सकते हो, बाकी प्रोफाइल देख सकते हो। 22, 24 का जेंडर डाइवर्सिटी मेल और फीमेल का 66, और इस साल जो इंजीनियर है 34%, कॉमर्स 48%, और भी ज़्यादा बढ़ा है, आर्ट्स साइंस 17% है, और अदर्स में 14। अभी जो करंट का बैच चल रहा है वो, ठीक है, अभी जस्ट रिसेंट जो बैच अभी खत्म हुआ है, बैच स्ट्रेंथ 174 का हुआ है इस बार। प्रेशर भी अभी इस साल डोमिनेट कर रहा है 64% के साथ। बाकी ये सब देख सकते हो, प्लेसमेंट यहाँ पे स्टूडेंट प्लेसमेंट कमेटी है यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है, और ये आई थिंक इनका लास्ट वे। ठीक है, तो ये इनका प्लेसमेंट के बारे में था। तो आई होप गाइस आप लोग आरओआई के टर्म्स में, ये फीस के टर्म्स में आप लोग समझ गए ये कॉलेज कैसा है। ठीक है, एंड अगर गाइस हम लोग बात करें और भी कुछ इसमें है तो वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस तो आई थिंक आप लोग समझ गए ही होंगे। ठीक है, मेनली आप लॉग इन करो, फिल एप्लीकेशन ये सब है, पे एप्लीकेशन पे अपलोड डॉक्यूमेंट सब कर लो। बाकी जैसा आपका ऑनलाइन जीटी पे सब है तो आपको बता दिया जाएगा, आपके मेल कर दिया जाएगा, जैसा उनके डेट सब है मेंशन। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, पूरा सब कुछ, एंड कोई भी क्वेरी है तो जरूर से आप कमेंट में बताओ, या फिर आप स्क्रीन पे, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए व्हाट्सएप ये सब, तो आप उसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेनली जी डी पे के प्रिपरेशन करना है, डेफिनेटली यू कैन चेक आउट आवर कोर्सेज, के लिए मैं वीडियो आप अलग से मैं बनाने वाला हूँ, तो वेट फॉर दैट। ठीक है, तो चलो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद जरूर से लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब किया रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अभी वीडियोज बन रहे हैं कॉलेज से रिलेटेड रिगार्डिंग। ठीक है गाइज, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।